चंदन क्यारी प्रखंड के दामोडीह आडेता एवं झाल बरदा पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीणों ने विभिन्न योजनाओं के लाभ में लाभान्वित होने के लिए शिविर पर आवेदन जमा किए। वहीं अबुआ आवास योजना के आवेदन प्राप्त करने के लिए प्रखंड कर्मियों नहीं पहुंचने पर दामोडीह पंचायत के ग्रामीणों ने जमकर हंगामा करने लगा। बाद में इसकी सूचना मिलने पर अंचलाधिकारी रवि कुमार आनंद दामोडीह पंचायत पहुंचकर मामले को शांत कराया, साथ अंबुजा आवास योजना के लाभुकों से आवेदन भी जमा लिया गया। सीओ एवं पंचायत जनप्रतिनिधियों द्वारा सीता आजीविका महिला मंडल के बीच 1.5 लाख का चेक वितरण किया गया। वहीं आडिता पंचायत के मुखिया कार्तिक रजवार की तबीयत खराब होने के कारण शिविर में नहीं पहुंच पाई। इस दौरान दामोडीह पंचायत के मुखिया रेखा देवी ने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सरकार की विभिन्न योजनाओं की लाभ से लाभान्वित करने के उद्देश्य से लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त की जा रही है। राज्य सरकार की बहुत ही सराहनीय कार्य है। वहीं झारखंड पंचायत के मुखिया बसंती देवी ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में अधिकारी नहीं पहुंचने पर नाराजगी जताई। सीओ ने मीडिया को बताया कि सभी जगह शांतिपूर्ण रूप से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ सीधे जरूरतमंदों को मिल रही है। सीओ को दामोडीह पंचायत में अंबुजा आवास योजना में आवेदन प्राप्त करने के लिए कर्मियों नहीं पहुंचने के सवाल पर कहा कि कर्मियों शिविर में पहुंचे थे, परंतु भीड़ के कारण आवेदन लेने परेशान हो रही थी। तीनों पंचायतों में प्राप्त सभी अब आवेदनों की समस्याओं का समाधान की जाएंगी। मौके पर पंचायत समिति सदस्य सीमंत उराव, सुरेश मांझी, छोटू मांझी, मुखिया प्रतिनिधि गया राम मांझी के अलावा चंदन कियारी प्रखंड के जन प्रणाली वितरण के सभी डीलर उपस्थित थे। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज हमारे चंदन कियारी प्रखंड के 3 पंचायत धरबरदा, अड़ीसा तथा दामोडी पंचायत में कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में विभिन्न योजना झारखंड सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का आवेदन प्राप्त किया जा रहा है, तथा हमारा पूरा प्रयास है कि सभी ग्रामीणों का जो भी समस्या है उसका हम यहाँ से निष्पादन करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस कैंप में मुख्यतः राशन कार्ड हो गया, आवास, महिला सम्मान का ग्रामीणों के द्वारा ज्यादातर आवेदन दिया जा रहा है। प्रयास है कि इसका लाभ जल्द से जल्द पहुँचाया जाए। आवास के लिए फॉर्म लेकर घूम रही थी महिला, बता रही थी कि जमा करने के लिए कोई है नहीं, जमा लेने के लिए मेरे द्वारा इसका निरीक्षण किया गया। स्वाल का वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, उन लोगों को भीड़ के द्वारा मुख्यतः पावती रसीद के बारे में बोला जा रहा था, लेकिन वहाँ पे स्टाफ को लगाया गया, सब सुव्यवस्थित किया गया सरकार। जब आप सरकार आपके द्वार में जब लगा हुआ है कैंप, तो आज 3 साल से ही चल रहा है, लेकिन काम बहुत लीजी से चल रहा है। ये काम को पब्लिक को इतना बार फोटोकॉपी ये जो करने के लिए पब्लिक को बहुत दौड़ा रहा है, तो इसे काम को सब कम से कम सरकार अपने तरफ से ये सब काम को सक्सेस करने के लिए वही हम बोलेंगे। इससे पहले भी शिविर लगा था, लोग आवेदन जमा किए थे, क्या उस आवेदन का निष्पादन हुआ था? हुआ था, लेकिन बहुत कम हुआ था। ये जाकर के ब्लॉक में जो काम हो रहा है, ये सब काम में मतलब कोई हम लोग का तो पंचायत प्रतिनिधि जो है इन लोग का तो कोई वैल्यू नहीं देता है, दलाल के चक्कर में उसे बहुत सारा पड़ा हुआ है। विभाग द्वारा स्टॉल लगाए हुए, क्या उस स्टॉल पे काम हो रही है? अभी तो कोई ही नहीं है, सरकारी कर्मचारी ही नहीं है। फॉर्म जमा हो रहा है, रजिस्टर मेंटेन हो रहा है, होगा नहीं होगा हम लोग को भी पता नहीं चल रहा है। तो सरकार से क्या उम्मीद लगाना चाहते हैं आप? सरकार से हमें उम्मीद लगा कि जनता का जब सरकार आपके द्वारा लगा दिया है, तो सरकार से मतलब निःशुल्क सब काम होना के हम वही चाहेंगे कि सर करने चाहते हैं। अभी सरकार का प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचल अधिकारी कोई नहीं आया है सर, दो चार तो छोटा छोटा अफसर आया है, पंचायत सेवक का हम लोग का झलबरदा पंचायत में पंचायत सेवक अभी तक है नहीं है, और पंचायत सेवक के चलते हम लोग का कुछ काम नहीं हो रहा है। अबुआ आवास और माया सम्मान निधि योजना और मेरा बहन मेरा बेटी वाला भी योजना, कोई भी योजना सर, कोई अफसर अभी तक चंदन कियारी का यहाँ हम लोग का आया नहीं है। दो चार तो छोटा छोटा वाला अफसर आया है, उन लोग का दराज पर जैसे हम लोग का दराज पर कुछ काम नहीं होता है, कुछ उन लोग का दराज पर भी कुछ नहीं काम होगा। हम लोग मुखिया समिति दोनों है, हम लोग दोनों बिजी है, आदमी हम ही लोग को माथा में चढ़ रहा है, हम ही लोग को दो चार तो बात बोल रहे हैं, और वो बात हम लोग को माथा ले करके समझना पड़ता है, हम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्या करेंगे। हम लोग जनप्रतिनिधि है, वोट का टाइम है, हर आदमी का घर में वोट मांगने के लिए जाने पड़ता है, इसीलिए वो लोग जो बोलता है हम लोग मान लेते हैं। सरकार से मेरा अनुरोध यही है, तो जब आप लोग योजना चला रहे हैं तो योजना बढ़िया से चलाइए, गरीब को जनता को योजना मिलना चाहिए, ऐसा बात नहीं है।
और उसमें जैसे बिचौलिया नहीं होना चाहिए वही मेरा पंचायत में लगाया गया है। लोगों को किस प्रकार लाभ हो रहे हैं, हम जनता को लाभ मिल रहे हैं कि नहीं, क्या क्या लाभ मिल रहा है? कुछ लाभ आए हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग को बहुत दिनों से लाभ आवास के लाभ नहीं मिल रहे हैं। फॉर्म जमा करने के लिए आए तो फॉर्म जमा करने के कर्ज भी नहीं आए फॉर्म लाने के लिए। डालेंगे क्या जाएंगे लोग बोल रहे हम लोग कच्चा मकान है नहीं मिल रहा है और इसको डबल डबल मिल जा रहा है। वो डेढ़ बज गया लेकिन अभी तक देखिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये जो योजना को लेकर जो सरकार ने एक मुहिम छेड़ा है, मैं इसका कतई समर्थन नहीं कर रहा हूँ। कारण ये रहा है कि पूर्व से ही पूर्व में और दो बार यहाँ पर जनता गड़बड़ लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार पूरी तरह से विफल है। अभी तक अगर आप हम कहेंगे, आपको माध्यम से दिखाना भी चाहूँगा, अगर आप हमको कुछ क्षणों का समय देंगे तो मेरे पास राशन कार्ड के एक बोझ रखा हुआ है। ब्लॉक में तो काम होता ही नहीं है, सरकार कहती है कि जनता के दरबार में काम करेंगे। अभी भी आप देख लीजिए, अभी देखेंगे तो अभी आवास के लिए लोग तरामी तरामी हैं, महिलाएँ आ रही है धूप में पसीना बहा रही है, लेकिन बेचारी लोगों को जमा लेने का जो पदाधिकारी है अभी तक वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। वो लोग हम लोग से आके हम लोगों को गाली दे रहे हैं, चूँकि गाली उन लोग का देना स्वाभाविक चीज़ है और देंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग एक पंचायत का दायित्ववान व्यक्ति होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन लोगों ने हम लोगों को बार बार भाई सूचना दे रहे हैं कि इस तरह का बात है। लेकिन हम लोग प्रशासन को कितना भी कहें, वीडियो साहब को कई बार हमने फोन लगाया लेकिन उनका फ़ोन लग नहीं रहा। आखिर बताइए इस तरह से अगर जनता को परेशान करेगा और इस तरह से अगर प्रशासन इतना दुलमुल रवैया अपनाएगा तो जनता को लाभ कैसे मिलेगा? मैं मानता हूँ कि झारखंड सरकार जन योजना का भी जो योजना है वो गांव तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन निर्माण का भरोसा। लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती।